बिना विलंब किए हमारे बीच हमारे अपने अभिभावक, हमारे अपने प्रिय, हमारे अपने पुरोधा और संगीत के जगत के एक ऐसे नाम को मैं आमंत्रित करता हूँ जिन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि आप मिट्टी से जुड़े रहिए। क्योंकि जब पतंग हवा में होता है ना, उसे लगता है कि लटाई मुझे रोक रही है, लटाई कोई तोड़ दो तो मैं आसमान में और आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन हमें सबको पता है कि जिस दिन लटाई से धागा कट गया, पतंग को गिरते देर नहीं लगेगी। हम जितना भी बॉलीवुड, हॉलीवुड, वेस्टर्न कर लें, जब हम मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी के लोग हमें ये सिखाते हैं कि मिट्टी में केवल खुशबू नहीं, मिट्टी में प्राण बसता है। और मिट्टी से आया हुआ एक ऐसा शख्स है जिसने पूरे विश्व में अपनी मिट्टी की गूंज, अपनी मिट्टी की खुशबू को हर एक दिल तक पहुंचाया है, और अपने गाने और अपने प्रसिद्धि में अपनी जो प्रखरता है उसको और निखारते हुए अपनी आवाज में अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को समेट कर पूरी विश्व में अपने राज्य, अपने जमीन को एक ऐसा स्थान दिया है जो हमें इस बात पे गर्व करने के लिए मजबूर करता है कि हम कैसी मिट्टी से आते हैं। और उस तत्कालीन काल में आते जिसमें मधु मंसूरी जैसे लोग हैं, तो हमें अपने होने पे भी गर्व होता है। तो मैं सम्माननीय माननीय आज के मुख्य अतिथि पद्मश्री मधु मंसूरी जी को मंच समर्पित करता हूं। आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, आदर्श राज धनवार महाविद्यालय सिंडिकेट के सदस्य और जितने भी प्रोफेसर, सभी और जजेज, मीडिया वाले बंधु और इस मंच में, इस दर्शक जगह में बैठे उपस्थित नौजवान, बुजुर्ग, दोस्त यार, बेटी बहनें, सबको हमारे तरफ से झारखंडी जोहार है। मैं एक बात यहाँ देखा जो कई जगह नहीं देखा। एक बार हमने जुलाई 92 में अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल में गया था ताइपेई सिटी, ताइवान, 9 दिन के लिए। वहाँ 10-20 वो कंट्री के डांसर, नृत्य करने वाले बहुत सारे ग्रुप आए थे, लेकिन जितना सलीका से यहाँ बच्चे किए, इस बात को मैं बैठ के दिल में गोथ रहा था, इतना अच्छा काम हुआ है। और अभी आप जो बैठे हैं, इस बात से एक बात हमारे मन में आया कि चरित्रता मनुष्यता की पहचान है, जो मन वचन कर्म से चरित्रवान है वही इस दुनिया में महान है। इतना शांति से आप बैठे हैं ना, वाकई आप बहुत चरित्रवान हैं। अभी ये बाबू इंजीनियर साहब एक बात बोल गए थे, अगर जुआ सक्रिय हो जाए तो आसमान में भी सुराग कर देंगे, इसलिए कि जुआ को अगर हम उलट के लिखते हैं तो वायु होता है। बाबू, मैं आपको कुछ बातें छोटा छोटा कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। जिस पर दुनिया को भरोसा है, विश्वास को, देश को, राज को, समाज को, उसको अगर हम थोड़ा सा उलट के लिखते हैं तो बहुत दुर्भाग्य है। साक्षर पढ़े लिखे, लेकिन हम साक्षर को उलट के लिखते हैं तो राक्षसा होता है, दुर्भाग्य होने जा रहा है। और बहुत पढ़े लिखे को लोग साक्षरा कहते हैं, हम उलट के लिखते हैं तो राक्षसा होता है, बहुत बड़ा राक्षस होने जा रहा है। इस सब बात को मन से निकाल देना है, मानव समाज के लिए कल्याणकारी काम करना है, मेरा रिक्वेस्ट है। देश में जो गबन घोटाला, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य है। अगर कलम ज़्यादा अत्याचार करता रहेगा तो तलवार करवट बदलेगा तो अशांति हो जाएगा।
इसलिए मेरा विनती है विद्वत जनों से कि आप संभल के अपनी कलम को चलाइए ताकि हम आपको एकदम गुरुदेव की तरफ प्रणाम करता रहूं। क्षमा करेंगे हम ऐसा बोला। हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, हम स्वागत करते हैं तहे दिल से। और जो विश्व गुरु बना था वो आज हवा में है। कौन? ब्रिटेन। सर छोटी सी बात है, आजकल एक बच्चा क्लास का किताब में एक अंग्रेजी का पोएट्री है, फॉलिंग डाउन लंदन ब्रिज फॉलिंग डाउन। लंदन का जो ब्रिज है वहाँ की सांस्कृतिक पहचान है। पूरी दुनिया में राज किया, पूरी दुनिया का दौलत लूट के ले गया और द्वितीय महायुद्ध के बाद पूरी दुनिया से उसका शासन खत्म हो गया, कमाया हुआ धन समाप्त हो रहा है। तो वो जो पूरे विश्व के गुरु थे उनका भी कैरेक्टर खराब हो रहा है। इसलिए किसी राइटर ने कहा कि फॉलिंग डाउन लंदन ब्रिज फॉलिंग डाउन। भारत जब विश्व गुरु की ओर जा रहा है, हम लोगों की कैरेक्टर कभी ना गिरे, ऐसा हम लोग मन बना के चले, ये मुझको उम्मीद है। चलिए मैं आप आपको एक गीत सुनाऊंगा। सबों को अपना अपना काम है, शाम है, ठंडा है, लोग व्यस्त रहे हैं तीन दिन से। आधा मिनट हम आपसे और एक बात करूंगा। 2 अगस्त 1956 ईस्वी को हमको सांस्कृतिक मंच में लाया गया था। मैं सांस्कृतिक मंच में जाने की उम्र मेरा नहीं था और जब मुझे ले गया तो मुझे 10 रुपया पुरस्कार मिला जो मेरा प्रेरणा स्रोत बना। और 10 दिसंबर 1960 ईस्वी को हम झारखंड आंदोलन का पहला गीत गाया। 10 दिसंबर 1960 को हम झारखंड आंदोलन का पहला गीत गाया। वहाँ भी मुझको जाने की औकात नहीं था, 10-11 साल उम्र था। खूंटी नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक में वहाँ हमने झारखंड का प्रथम पुरोधा, जिसने प्रथम बार झारखंड का आवाज उठाया था, जयपाल सिंह मुंडा से मेरी मुलाकात हुई थी। और दूसरा पुरोधा था वहाँ पर, उनके भाई अभी हम बुला रहे हैं, अभी बोले थे। और तीसरा पुरोधा थे लाल विजयनाथ शाहदेव, वो दूसरा जो थे इन्हीं हो थे। बोल रहे थे हम बहुत सारे लोग झूठ सच बोलते हैं कि हम ऐसा किया वैसे किया इस राज के लिए, लेकिन समय बताता है कोई बात नहीं। आइए हम आपको एक गीत सुनाएंगे। वो गीत मेरे लिए गुरु है, प्रशंसा दिया है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में हमको प्यार दिया है। झारखंड की गोद में झारखंड कर कोरा, हेलो, झारखंड की गोद में, हिंदी से गोद, ठेठ भाषा में कोरा, तो हमने आपको झारखंड की कोरा सुनाएंगे। और मैं अपने औकात में इस गीत को मैं 1972 में लिखा था, जो आज भी जवान है अपने जगह में। झारखंड कर कोरा, ए झारखंड कर कोरा, झारखंड कर कोरा, झारखंड कर कोरा, नदी नाला टका टुकू बन रे पतारा, भर ले खप्पा कसी फूल सिंधा समय झूला झूल रे, भर ले खप्पा कसी फूल सिंधा समय झूला झूल रे, चल रे रामी चल रे सालो चल रे हीरा चल
रे चल टंगारा चल खेल रे खेल घसरी खेल बिना इंजन बिना तेल गाड़ी हो हर ढगा की बोले होत सवाल झोटिया बोले अरे झोटिया बोले अतने खोले बाच बेहिरा झारखंड कर कोरा नदी नाला ठका ढुकू बन रे पतरा भर ले खोपा कसी फूल दिना समय झूला झूल रे भर ले खोपा कसी फूल दिना समय झूला झूल रे मन मदीना ठमकी उठे मधुगंधे ठमकी उठे कोई कारो कोई कारो देव नदी हलकी मलकी लटका लग देखर देखा देखा मुक्ति दे सुबर देखा देखर देखा कोरुर दसम जो ना घर घर कूड़ी तीरे गिरा घा घर कूड़ी तीरे मास कई बेसुरानी एक जबान आज के पेड़ में हेरा ढेरा खाई भेटा मुए हे बेरा झारखंड कर कोरा झारखंड कर कोरा पतरा भर लिखो फसाद से नहीं। आप कब यहाँ कपड़ा मिल खोलिएगा, हम कब तक पलायन करेंगे।
आप यहाँ कब तक चीनी मिल खोलिएगा, हम कब तक पलायन करेंगे? आप यहाँ कब मेडिसिन बनाने वाला लेबोरेटरी बनाइएगा, हम कब तक मोहताज रहेंगे पूना का और बॉम्बे का? आप यहाँ कब बड़ा पर्दा का फिल्म निर्माण उद्योग करेंगे, हम कब तक मोहताज रहेंगे? सारी बातों को आप आवाज़ उठाइए पेपरों के माध्यम से। जय हिंद, जय झार। ये थे हमारे अपने पद्मश्री मधु मंसूरी जी। आपको पता है गरजने वाले बादल बरसते नहीं और बरसने वाले बादल गरजते नहीं। और सर ने छोटे छोटे सेंटेंस में आपको जो बात बताई उसके लिए मैं एक बात बता दूं। एक बार एक डॉक्टर साहब ने बोला कि बुखार में पूरी अच्छा नहीं लगता, टैबलेट ही खिलाना पड़ता है। तो टैबलेट छोटा होता है। सर ने जितने भी टैबलेट आपको दिए हैं आप अपने जीवन में उसको साकार करें। और सबसे बड़ा टैबलेट तो उनकी उपस्थिति है। आप गौर कर रहे हैं इस उम्र में इस एनर्जी के साथ इतना सुरीला होना कितनी बड़ी बात है। और ये साधना आप अभी से सोच रहे हैं कि क्या होता है ना कि एक शख्स ने कभी सोचा कि अक्सर मंजिल पर पहुंचने वाले नहीं रखते नाजे सफर, अक्सर मंजिल पर पहुंचने वाले नहीं रखते नाजे सफर, और जो दो चार कदम चले नहीं वो रफ्तार की बात कर रहे हैं। राइट, तो ये जो है ना ये मंजिल में पहुंचने वाले शख्सियत है। इन्होंने जो हमें बताया है वो हमारे जीवन में रहे। बाबूलो उपस्थिति, बाबू प्रोफेसर साहब बोले उपस्थिति। याद रखिएगा आज जो मैं आपके पास खड़ा हूँ आप अपने जीवन में कभी याद रखिएगा इस बात को। आज मैं अपनी जीवन का 9683 मंच में खड़ा हूँ, ये भी याद रखिएगा। क्या बात है, 9683 ये मंच। और कुछ कहना आपको? इसमें दो बात छुपी है, आप लोगों ने गौर नहीं किया। सर ने ये नहीं बोला कि 9683 पुरस्कार लेके खड़ा, उन्होंने कहा मैं 9683 बार मंच पे खड़ा हूं। तो इससे हमें सीखने वाली बात यह है कि मंच पर आना अपने आप में कितना बड़ा सौभाग्य है। और आपको ये मंच मिला इसके लिए आप अपने लिए ताली बजा दें। जीतने वाला तो जीत जाता है,